नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। मीरका गांव के विकास की कहानी सरपंच अनिल की जुबानी। कार्यक्रम में पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपक शर्मा ने गांव के लोगों से पूछा कि गांव में कितना विकास हुआ, तो लोगों ने कहा कि सरपंच हो तो अनिल जैसा, जिसने कम समय में गांव की छोटी बड़ी हर समस्या का समाधान किया। आपको बताते चलें कि गांव की आबादी लगभग 5000 है। वैसे तो सभी जातियां हैं, लेकिन मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि कुछ मेन रास्ते पहली बार बनाए गए। और आपको बताते चलें कि सरपंच अनिल पहली बार सरपंच चुनकर आए, क्योंकि युवाओं ने बताया कि युवा ही युवा के भविष्य की बात कर सकता है। जब अलग अलग जातियों के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अनिल सरपंच ने सभी जातियों को बराबर सम्मानित किया है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ है गांव मीरका से सरपंच अनिल जी। आइए इनसे जानते हैं कि इनके 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपने गांव में कितने विकास कार्य कराए। तो अनिल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो जो आपके कार्यकाल को 4 साल पूरे हो चुके हैं, आपने अपने गाँव में कितने विकास कार्य कराए, मुख्य रूप से दर्शकों को बताएं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आप दोनों का, जो आप हमारे गांव में पहुंचे। अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट गांव है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल से अपने सभी दर्शकों का। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मेरे गांव में जो 4 साल में कार्य हुए, वो अभी 10 साल पहले किसी ने नहीं कराए थे। तो अब हमने 4 साल में हमारे गाँव के सभी रास्ते पक्के हैं, घर घर पानी पहुँच रहा, मीठा पानी रहने वेल का। उसके साथ साथ हमने गाँव में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। तो हमारे गांव के रास्ते बहुत कच्चे थे, आज आप किसी भी रास्ते में चलकर देख सकते हैं, बहुत साफ सफाई है और सारे रास्ते हमारे पक्के हैं। उसके बाद हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था बिजली का, आज हमारे गांव में 4 ट्रांसफार्मर हैं। तो आप और हमारे गांव में जो ये कब्रिस्तान है मोमडन भाइयों के और शमशान घाट है हिंदू भाइयों के, उन्हों की हमने 4 दीवारी कराई है। 4 दीवारियों के साथ साथ हमने उनमें गेट और पानी की जो समस्या थी उससे हमने छुटकारा पाया है। और उन्होंने हमने लाइट लगवाई है, बड़ी बड़ी लाइट, जिससे किसी भी टाइम कोई भी अगर मामला बनता है तो हम निशंकों को और बिल्कुल एक उजीते में हम सारे काम अपने करते हैं, या अंतिम संस्कार का काम हो या फिर मिट्टी दफनाने का काम हो। और उसके साथ साथ हमने स्कूल पे, जो हमारे गाँव का मिडिल स्कूल है, उस स्कूल में पहले बहुत कम बच्चे आया करते थे और टीचर भी टाइम से नहीं आया करते थे। तो हमने उसमें रेगुलर जाके सप्ताह वाइज, मंथली वाइज मीटिंग ले लेके, पेरेंट्स मीटिंग है या टीचरों के साथ मीटिंग है, हमने वो सारी ले लेके स्कूल पे बहुत ध्यान दिया है। और आज हमारे स्कूल में 262 बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं और बहुत अच्छा मामला चल रहा है। उसमें पानी की समस्या थी, उसमें हमने टैंकर बनवाया है पानी पीने के लिए बच्चों के। उसमें हमने प्लांटेशन के तहत उसमें पेड़ लगवाए हैं और मनरेगा से मिट्टी डलवाई है। और हमने अपने गांव में एक SC वाल्मीकि चौपाल का काम चल रहा है, उसमें लेंटर गिरना बाकी है, वो काम पूरा हो जाएगा तकरीबन 1-2 दिन में। और उसके साथ साथ हमारे पास 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वो हमने एक आंगनवाड़ी केंद्र पहले बना हुआ था, एक हमने बनवाया है। और बरातकर के लिए हमने स्वर्ण जयंती योजना के तहत एस्टिमेट भेज रखा है, जैसे ही 10-5 दिन में वो आएगा हम काम चालू कर देंगे। तो ये हमारे बहुत से सामूहिक काम है और ये सामाजिक काम है। हमने गांव के जितने भी सामूहिक काम थे, सामाजिक काम थे, सबका साथ सबका विकास करके हमने इस नीति पे काम किया है। और गांव में हमने चारों तरफ विकास किया, कहीं एक तरफा विकास नहीं किया, एक तरफा कोई बात नहीं किया था। तो आपने सर लगभग 4 साल के कार्यकाल में कितने विकास कार्य कराए हैं और लगभग कितने अमाउंट से? हमने अपने 4 साल का जो हमारा कार्यकाल था, इससे पहले हमारे गांव में एक भी रास्ता पक्का नहीं था। और आज हमने लगभग 95% हमारे गांव के रास्ते कंप्लीट हैं, जो हमने अपने देखरेख में बनवाए और अच्छी सामग्री लगाई कर अच्छी तरीके से बनाए हैं। उसके बाद हमारा अमाउंट हमने टोटल नहीं किया है, लगभग जितना आ रहा है उतना हम लगाते जा रहे हैं। लगभग बता दो, लगभग करोड़ के लगभग हमने काम कर दिए हैं। आपके जो कार्यकाल है उसमें अभी 1 साल बाकी है, तो आपकी क्या भावी योजना है जो आपके मन में और जिन्हें आप 1 साल में पूरा कराना चाहते हैं? जो मेरे मन की भावना है और जो अभी काम कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो काम हुए नहीं है, वो काम ये है कि एक तो मैं अपने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा केंद्र बनवाऊंगा। उसके साथ साथ एक हमारे पास थोड़ी जमीन है,
उस जमीन में हम एक वो खुली जिम और पार्क उसका निर्माण कराएंगे, जिससे बच्चों को एक स्वास्थ्य स्वास्थ्य वातावरण मिले, मॉर्निंग वॉक का टाइम मिले, उसमें बालक बच्चे बूढ़े और बुजुर्ग सभी उसमें सुबह शाम अपनी मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जिनसे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके साथ साथ हम और भी काफ़ी हमारी अभी थोड़े काम पेंडिंग है वो कराएंगे, जैसा कि हमारे एक दो चौपालों का काम, अभी एक दो चौपाल हमारी बननी है, उनके लिए हमने विधायक साहब से भी और MP साहब से भी पैसे की रिक्वायरमेंट भेज रखे, जैसे ही पैसा आएगा वो हम एक साल के अंदर पूरे काम करा देंगे। तो सर जैसे महिला की सुरक्षा के लिए बात करें तो आपने अपने गांव में क्या विकास कार्य कराए हैं? हमने अपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो जो मेन चौराहे थे उन पर हमने बड़ी बड़ी लाइट लगवाई है, जिससे कोई भी आवारा आदमी या वैसा आदमी गांव में एंट्री करे तो वो दिख जाए कि ये किस टाइप का आदमी हमारे गांव में एंट्री करा। उसके साथ साथ अब मेरा जो अपनी मन की सोच और पूरे गांव के सहयोग से जो मैंने एक निर्णय लिया है, वो निर्णय है कि हम हर चौक पे, हर मेन गली पे एक CCTV कैमरा लगवाएंगे, जिससे कोई भी अगर लेडीज के साथ दुर्घटना होती है कोई भी या कोई वैसा, उनकी सुरक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उससे हम अपनी CCTV फुटेज निकाल के और जो भी अपराधी है उसको हम आसानी से पकड़ पाएंगे और लेडीजों की इससे सुरक्षा बढ़ेगी और हम आने वाले टाइम में लेडीजों के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। जैसे लेडीजों की और भी काफ़ी समस्याएं होती हैं, जैसे लेडीजों का मतलब पहले हमारे गांव में क्या थी कि लेडीज बेचारी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, ऐसी प्रथा थी। तो हमने लोगों को जागरूक किया है, लोगों से किया है, लेडीजों से अपील की है, घर घर जाके वो समझाएं कि आपका भी हक इतना ही है जितना हमारा हक है, तो आप आगे आओ, अपनी सुरक्षा स्वयं करो। और उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और हमारी लेडीज बहुत मतलब इसमें समझदारी दिखा रही हैं, एक्टिव हैं और वो अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं एक जिम्मेदारी का भी निर्णय ले रही हैं और उसके लिए हम और आगे निरंतर काम करते रहेंगे। तो अंत में आप अपने गांव वालों को कोई मैसेज या संदेश या कुछ अपील करना चाहोगे उनसे? हाँ, मैं बिल्कुल अपने गांव वालों को संदेश भी देना चाहूँगा और अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने गांव वालों से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, पढ़ाने के लिए उन्हें सुबह तैयार करके स्कूल भेजो और जब हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा, एरिया का नाम रोशन होगा और देश का नाम रोशन होगा। किसी बच्चे के नसीब का क्या पता, कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो सबसे पहले सबसे जो मैं अपील करना चाहूँगा वही है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, उसके साथ साथ बच्चों को साफ़ सफाई रखो, घर में साफ़ सफाई रखो, खुद भी साफ़ सफाई रहो। अगर हम साफ सफाई रहेंगे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे तो हमारे पास ना कोई बीमारी आएगी, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा। और मैं गांव वालों से ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि मेरे जो भी जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं या फिर मैं आगे कराने वाला हूँ उनमें मेरा पूरा सहयोग दे, जैसे 4 साल से सहयोग दिया उसी हिसाब से पूरा गांव मेरा 1 साल से और सहयोग करें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करा सकूँ। ये मेरा हाथ जोड़ के अपील और रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सांसद जी का, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का, सांसद प्रतिनिधि श्री नरेंद्र बिदूड़ी जी का, विधायक प्रवीण डागर जी का, जिन्होंने हमारे एक पिछड़े हुए गांव पे, और ये विधानसभा का लास्ट गांव है और ये लोकसभा का भी लास्ट गांव है, इस पे इतना ध्यान दिया और विकास कार्य लेकर पैसा दिया जिससे हम अपने गांव में विकास कार्य करा पाए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुनः उनका, सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करूँगा। जय हिंद, जय भारत।